राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 47 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें जयपुर में 11, झालावाड़, टोंक और झुंझुनू में 7-7, जैसलमेर में 5, जोधपुर में 3, बांसवाड़ा में 2 और बाड़मेर में 1 पॉजिटिव सामने आया है। वहीं ईरान से लाए गए 4 भारतीय भी जांच में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस तरह अब तक प्रदेश में 430 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें अब तक सबसे अधिक 140 कोरोना पॉजिटिव जयपुर में मिले हैं। इनमें भी अधिकतर मामले जयपुर के रामगंज से मिले हैं। ऐसे में रामगंज में कोरोना को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि रामगंज में संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर सैंपल लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मुस्तैद है। चिकित्सा विभाग की टीमों ने जनगणना आधारित ब्लॉक्स के आधार पर मैपिंग करके और इसको 30 क्लस्टर्स में बांटा था और वहां सैंपल्स लिए गए थे। वहां जो कल सैंपल 557 लिए गए, उसमें से जांच के पश्चात 542 नेगेटिव आए और 11 सिर्फ पॉजिटिव केसेस कल के जो सैंपल कलेक्शन हुआ था उसमें पाए गए। 4 का रिजल्ट अभी आना बाकी है। वैसे पूरे स्टेट के अंदर 17,811 अभी सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है और उसमें टोटल जो फिगर आया है पॉजिटिव केसेस का वो 413 है। नेगेटिव केसेस है 16,549 और जितने सैंपल्स का टेस्ट आना बाकी है वो है 849। जिस तरह से कोरोना के इस महामारी के खिलाफ जो जंग लड़ा जा रहा है उसमें हमारे चिकित्सा कर्मियों ने, हमारे विभाग के डॉक्टर्स ने, नर्सिंग कर्मियों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने और हमारे फोर्थ क्लास हैं या हमारे ड्राइवर्स हैं एम्बुलेंसेस के या सफाई कर्मी हैं, उन लोगों ने जिस तरह के जज्बे का परिचय दिया है, हमारी जो प्रशासनिक अमला है, हमारी पुलिस की टीमें हैं जो डिप्लॉयड है 24 आवर्स फील्ड के अंदर, कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में भी लॉकडाउन को मेंटेन करने में भी, उन सब लोगों की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। आज राजस्थान सुरक्षित है तो इनके कमिटमेंट और इनके बेहतर